हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जैमा कुकिंग क्लासेस। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट सबसे पहले मैं अमूल को थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी है अपनी रेसिपी शेयर करने की। और मैं मीनूविक जैमा कुकिंग क्लासेस से आज मैं बना रही हूँ चिली हलवा। चिली हलवा हम बना रहे हैं, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें हम ये रेड चिली यूज कर रहे हैं, इसको अचारी मिर्च भी बोलते हैं, अचार डलता है इससे। और इसमें हम ये ग्रेटेड खोया है, चीनी, अमूल का प्योर देसी घी और ये सूजी है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम इसमें डालेंगे। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम अपनी चिली बॉईल करेंगे। ये हम रेड चिली ले लेंगे, इसको बीच में से काट लेंगे। इसके हम ये सारे बीज निकाल देंगे। बीज हमने नहीं डालने हैं, बीज हम सारे निकाल देंगे। ये पानी बॉईल हो रहा है, इसके बीच में हम ये थोड़ी सी टार्ट्रिक डाल देंगे। ये हमने टार्ट्रिक रखी हुई है, आप सेट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। ये हमने एक छोटा सा चने की दाल जितने साइज का हमने एक टार्ट्रिक डाल दिया है और पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसी तरह से हम बाकी की रेड चिलीज भी काट लेंगे सारी। इसके बीज निकाल लेंगे। इसे हमने जो ये पानी बॉईल हो रहा है इसके बीच में डाल देंगे। हम ये 4 पीसेस डालेंगे इसमें, 2 हमने डाल दिए हैं, 2 और डालेंगे। ये सिर्फ नाम के लिए चिली हलवा है, मिर्च का हलवा है, लेकिन ये बिल्कुल मीठा बनता है, इसमें मिर्च का कोई टेस्ट या फ्लेवर नहीं आता है। हेलो एवरीवन, आज आप देख रहे हैं जैमा कुकिंग क्लासेस से चिली हलवा। ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगी, इस तरह हमने इनको 3 बार बॉईल करना है। इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। हमने जो इसमें टार्ट्रिक डालिया है उससे क्या हुआ, इसका पूरा कड़वापन खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी, सिर्फ इसका मिर्च का हल्का सा फ्लेवर आएगा, कोई ऐसा कड़वा नहीं लगेगा हलवा। इसे हम 1-2 मिनट बॉईल करेंगे। अब ये हमारी बॉईल हो चुकी है, इसे हम छान लेंगे। एक बार
फिर से हम इसे बॉईल करेंगे, पानी डाल देंगे और ये टार्टरिक हम फिर से डाल रहे हैं और इसको फिर से बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसको हमने पानी में इसलिए डाला है टार्टरिक को, जिससे पानी बॉईल होगा और ये अपना मिर्च का जो है ना टार्टरिक से सारा कड़वापन खत्म हो जाएगा, इसी तभी हलवा मीठा बनेगा। अगर हम डायरेक्ट ही मिर्च को डाल देंगे तो वो हलवा नहीं रहेगा, वो कोई स्वीट डिश नहीं रहेगी, मिठाई नहीं रहेगी, वो कड़वा बनेगा बिल्कुल। इसे हमने अच्छे से 2-3 मिनट बॉईल करना है। इसे आप 3 बार कर लें इस प्रोसीजर को और उसके बाद हल्का सा पीस आप टेस्ट कर लें। अगर आपको मिर्च फिर भी कड़वी लग रही है तो उसे 1 बार और कर सकते हैं आप। 3 बार तो हमने इसे अच्छे से 2-2, 3-3 मिनट बॉईल करना है, टार्टरिक डालकर हमने अच्छे से बॉईल करना है इसको। आप हमारे पेज जयमा कुकिंग क्लासेस को लाइक करें, उसका लिंक हम नीचे डाल रहे हैं, उसे शेयर भी करें। देखिए बहुत अच्छे से ये बॉईल हो रही है, इसे हमने 2-3 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। जैसे जैसे ये बॉईल होएगी मिर्च में से कड़वापन बिल्कुल निकलता जाएगा। हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे, नहीं तो इसकी स्मेल बहुत आएगी। इसे जब भी आप बॉईल करें तो ढककर ही बॉईल करें, नहीं तो मिर्च की जो स्मेल है वो पूरे घर में या किचन में पूरी फैल जाएगी। अभी बॉईल हो चुका है, इसे भी हम छान लेंगे। और इसे 1 बार और बॉईल करेंगे। इसमें हम ये फिर से टार्टरिक डाल रहे हैं, जिससे मिर्च बिल्कुल भी कड़वी अब नहीं लगेगी। बॉईल आने देंगे इसको एक अच्छे से। हेलो एवरीवन, हेलो प्रतिभा जी, हेलो टिंटू जी, हेलो संजय जी, आप लोग मेरे पेज को लाइक करें और मेरे पेज में से आप इजी इजी और टेस्टी टेस्टी रेसिपीज आपको मिलती रहेंगी। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आप हम इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं।
हमारे सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। ललिता जी इज आस्किंग व्हाट आर यू मेकिंग? चिली हलवा। हम एक स्वीट डिश बना रहे हैं, हलवा तो इंडिया में वैसे भी घर घर में बनता है, उसको हम थोड़ा सा चेंज करके हम चिली के साथ बना रहे हैं। चिली में वैसे भी विटामिन सी होता है, लेकिन ये हलवा है सिर्फ चिली का, नाम का हलवा है, इसमें कोई कड़वापन नहीं है, इसमें सिर्फ मीठा ही रहेगा, ये नॉर्मल हलवे की तरह ही बनेगा बिल्कुल। अभी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, इसे हम छान लेंगे। इसे आप हरी मिर्च के साथ भी बना सकते हैं। एक बार हम फिर से बॉईल इसलिए करेंगे कि हमें, हमने जो इसमें टार्टरिक डाली थी उसकी स्मेल आएगी, उसकी स्मेल को निकालने के लिए हम एक बार और बॉईल करेंगे इसे। बस अब इसे निकालकर हम ठंडे पानी से धोकर पीस लेंगे। हमने ये पीस कर पहले से रखी हुई है, आप देख सकते हैं। बस इसका एक बॉईल आएगा, उसके बाद हम इसे ठंडे पानी से धो देंगे और इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ये हमने पेस्ट पहले से बनाकर रखी हुई है लाल मिर्च की। Can you share the recipe after the end of the session? Yes, आप हमारी रेसिपी यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमने ये रेसिपी यूट्यूब पर और अपने पेज जैमा कुकिंग क्लासेस पर भी डाली हुई है और हम यहाँ से भी शेयर कर देंगे। बस अभी इसमें से टार्टरिक की स्मेल निकल गई है, इसे हम छान लेंगे। बस आप ये ध्यान रखें, इससे पहले आप जरा सा टेस्ट कर लें, अगर आपको कड़वी लग रही है तो एक बार और बॉईल कर दें। इसे हम साइड में रख रहे हैं क्योंकि हमने इसकी ऑलरेडी पेस्ट बनाकर रखी हुई है। अब हम हलवा बनाना स्टार्ट कर देंगे। ना तो ये कड़वा होगा और ना तीखा होगा, ये बिल्कुल मीठा हलवा बनेगा। जैसे हलवे का टेस्ट होता है, ये बिल्कुल वैसा ही हलवा बनेगा। आप ये देख लीजिए, हमने सब कुछ इक्वल लिया है। इसमें हम थोड़ी सी सूजी डालेंगे, एक कप सूजी है, एक कप चीनी है, एक कप घी है, एक कप ही हमारी लाल मिर्च की पेस्ट है और एक कप ही हमारा ये खोया है जिसको हमने ग्रेट करके रखा हुआ है। इसमें हम ये कार्डमम डालेंगे जिसको हमने चार इलायची को पीस के रखा हुआ है, पिस्ता और ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। घी को गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा हम इसमें अपने ये ड्राई फ्रूट्स पहले फ्राई कर लेंगे। किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। ये फ्राई हो चुकी है, हम इसे निकाल रहे हैं। ये कुछ बादाम है, ये भी हम फ्राई कर लेंगे और ये अखरोट, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं। ड्राई
ड्राई फ्रूट को हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं, ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं और लास्ट में हलवे में डालने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। ये भी फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। एक दो पीस रह भी जाए तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम इसमें सूजी डालेंगे और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे। हम एक मिनट के लिए बंद कर रहे हैं क्योंकि गैस बहुत तेज थी। ये हमारा जो बचा हुआ घी था, हमने पूरा सब कुछ इक्वल डाला था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर सूजी को भूनना है। हेलो चेतना जी, हेलो ध्यान सिंह जी, हेलो अर्चना जी, थैंक यू अर्चना जी। मिर्च को कितने मिनट बॉईल किया? मिर्च को हमने दो दो मिनट तीन बार बॉईल किया है। आप उसके बाद बॉईल करने के बाद एक बार फ्रेश पानी में फिर से बॉईल कर लें, जिससे टार्टरिक की स्मेल निकल जाएगी। और हलवा बनाने से पहले थोड़ी सी मिर्च टेस्ट जरूर कर लें। कई बार मिर्च बहुत कड़वी होती है, अगर वो अभी भी आपको कड़वी लग रही है तो उसे एक बार और बॉईल कर सकते हैं। हम इसे लो फ्लेम पर ही भून रहे हैं। हमने इसके बीच में अमूल का प्योर घी डाला है, देसी घी। आप चाहें तो अमूल का मिठाई मेट भी डाल सकते हैं और चीनी भी डाल सकते हैं। हम मिठाई मेट डाल रहे हैं, आप चीनी और मिठाई मेट में से कोई भी एक चीज डाल सकते हैं। रिंकू जी इज आस्किंग, मैम सूजी कितना लिया? हमने सब कुछ इक्वल क्वांटिटी लिया है। एक कप सूजी लिया, एक कप चीनी, एक कप खोया, एक कप लाल मिर्च का पेस्ट, आप कोई भी कप या कटोरी या किसी चीज का भी मेजरिंग बाउल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, घर की कोई कटोरी भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ इक्वल लिया है। सूजी को हम लगातार हिलाते रहेंगे, अगर नहीं हिलाएंगे तो सूजी एक तरफ से ज़्यादा लाल हो जाएगी और एक तरफ से सफ़ेद रह जाएगी। इसको हमने बराबर हिलाते रहना है। इसमें आप फ्लेम का ज़रूर ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको रोस्ट मत करें। बस सूजी हमारी रोस्ट होने वाली है।
हमारी सूजी 80% तक रोस्ट हो जाए तो उस टाइम हम इसमें ये चिली की पेस्ट डाल देंगे। हमने इसको टेस्ट कर लिया है, ये अब कड़वी नहीं है। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हम इसमें कोई कलर नहीं डालेंगे। अगर हमें थोड़ा सा इसमें कलर देना है तो हम इसमें ये बीटरूट का जूस हमने निकाल कर रखा हुआ है, बीटरूट चुकंदर को हमने उसका जूस निकाल कर रखा हुआ है, हम उसका जूस डालेंगे अगर हमें इसके थोड़ा सा कलर देना होगा तो। वैसे इसका अपना ही कलर बहुत अच्छा आ रहा है। मिठाई मेड भी शुगर की तरह ही है, चीनी की तरह मीठी है। आप चीनी या मिठाई मेड से एक चीज यूज करें, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, मिठाई मेड से ये हलवा बहुत टेस्टी बनता है। हमने फ्लेम को लो ही रखा हुआ है और लो फ्लेम पर ही हम दोनों चीजें भून रहे हैं। थोड़ा सा हम ये इसमें छोटी इलायची डाल रहे हैं, 4 छोटी इलायची को हमने ऐसे ही छिलके उतार कर हल्का हल्का पीस लिया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगा। आपको ऐसी लाइव रेसिपीज और वैसे भी वीडियोस मिलती रहेंगी। देखिए अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें खोया डाल देंगे। ये भी हमने ग्रेट किया हुआ है। इसे भी हमने 2-3 मिनट भूनना है अच्छे से। साथ के साथ हम इसमें मिल्क मेड भी डाल देंगे। ये हम अमूल का मिठाई मेड यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा हम फ्लेम को अब हाई कर रहे हैं क्योंकि हमारी सूजी अच्छे से भून चुकी है, हमने इनको भी भूनना है। हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला है। थोड़ा सा हम इसमें अब बीटरूट का जूस डाल रहे हैं, कलर के लिए हम इसमें बीटरूट का जूस डाल रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे। ये अपने ड्राई फ्रूट्स भी हम डाल देंगे इसमें। आप देख सकते हैं कितनी आसान रेसिपी है। आपको हमारे पेज में भी ऐसी इनोवेटिव रेसिपीज मिलती रहेंगी। हमने बहुत सी लाइव वीडियो भी डाली है अपने पेज पर। ये पिस्ता से हम गार्निश करेंगे ऊपर।
थोड़ा सा हम बीटरूट का जूस और डालें। गैस को हमने लो पर ही रखा हुआ है, सिंपल है गैस बिल्कुल। आप इसे बिना खोए के भी बना सकते हैं, खोए को छोड़ दीजिए आप, उसकी जगह आप थोड़ी सी मलाई डाल सकते हैं। अच्छा कलर आ गया बीटरूट के जूस से इसमें। बस लीजिए, बनकर तैयार है हमारा चिली हलवा। इसे हम एक कटोरी में डालेंगे। प्रेस करेंगे, इसे एक प्लेट में पलट देंगे। इसे हम गार्निश करेंगे थोड़े से पिस्ते के साथ और एक ये लाल मिर्च। आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा सा पिस्ता हम साइड में भी स्प्रेड कर देंगे। लीजिए, बनकर तैयार है लाल मिर्च का हलवा, चिली हलवा।